subscribe my channel and press the bell icon. वंदे मातरम, जय श्री राम। जम्मू कश्मीर के कठुआ के अंदर 8 साल की बच्ची और जिसका 4 दिन तक लगातार 7 लोगों ने मिल के बलात्कार किया, उसको नशे की दवाइयां खिलाई, मंदिर के गर्भगृह में जो पवित्र स्थान है उस जगह पे इन लोगों ने ऐसी घटिया हरकत की और 8 साल की बच्ची के साथ 4 दिन रेप करके उसको गला घोट के पत्थर से मार दिया गया उसको, और हमारी सरकार अभी भी चुप है। अगर सरकार कुछ नहीं कर सकती है तो हमें दे दो उन लोगों को, हम उन मादर चोदों को, उन हड़प भड़कों को, उन नाजायद औलादों को साले को दिल्ली के इंडिया गेट के सामने लाए में गोली मारेंगे। अगर वो आप लोगों के अंदर करने की हिम्मत नहीं है ना, तो फिर आप कुर्सी छोड़ दो, या तो उस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए जिसके साथ ये गलत हुआ है। और कहां गए वो बड़े बड़े न्यूज चैनल वाले जो बढ़वे, अभी 2 दिन पहले सलमान खान का दिखा रहे थे, उसने चावल खाया नहीं खाया, उसने ये नहीं किया वो नहीं किया। अब जाओ मादर चोदो और बच्ची को न्याय दिलाओ। वहां नहीं जाओगे आप लोग, क्यों? वहां आपको टीआरपी नहीं मिलेगी? 8 साल की बच्ची के सवाल है मेरे भाइयों, और उस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए, किसी भी हालत में उसको न्याय मिलना चाहिए। और जो भी मेरे भाई है फौजी जम्मू कश्मीर में, उनसे बस एक अनुरोध है कि अगर ये जो भड़वे हैं इसमें से कोई भी अगर मिल जाता ना, उसको वहीं ठोको, गोली मारो। कितने फौजी को दिक्कत नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। और मेरे को तो मिल गया ना, तो साले तुम्हारी माँ बहन एक कर दूंगा मैं। और बहुत बड़े बड़े जो आरपी सिंह साहब जैसे बोल रहे हैं, हम निंदा करते हैं, कड़ी निंदा, तुम्हारे को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, क्योंकि वो आपकी लड़की नहीं थे ना, इसीलिए। किसी की बहन बेटी का इज्जत करना सीख लो आप लोग। जिस दिन हमारे साथ में होगा ना, तब हमें पता चलेगा कब क्या हो गया। मेरे प्यारे भारतवासियों, आप सभी से मेरा एक अनुरोध है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करना और फैलाना, ताकि वहां तक पहुंचे और उस बच्ची को न्याय मिले। जो बड़े बड़े पुलिस अधिकारी भी उसमें शामिल है बच्ची का रेप करने के अंदर, एक भी नहीं छूटना चाहिए, एक भी। जिन्होंने गुनाह किया है उनको सजा मिलनी चाहिए, चाहे उसके लिए कुछ भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बच्ची के साथ हुआ है, उस बच्ची को न्याय दिला के रहेंगे हम। अगर आप लोग बात कर रहे हो सीबीआई जांच होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, जांच में तो आप 25 साल और लगा दोगे, कुछ नहीं हो पाएगा। अगर आप लोगों के अंदर हिम्मत नहीं तो हमें बोलो, 1 घंटे के अंदर रिजल्ट देंगे, 1 घंटा नहीं टिक पाएंगे वो साले। उनको बताता हूँ कैसे होता है रेप और कैसे क्या होता है बच्चे के साथ। प्रधानमंत्री साहब, प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे के साथ हुआ तो उसको प्लीज न्याय दिलाओगे आप। और जो विधायक है, जिस विधायक ने भी किया है रेप बच्ची के साथ में, उसको भी सजा मिलनी चाहिए। कोई हिंदू मुस्लिम नहीं इस देश के अंदर, कोई ये क्यों नहीं कहता हिंदू तो बताओ, ये बताओ बचाओ, मुस्लिम बोलता हमारा ये धर्म बचाओ, सब अपने धर्म में पड़े हैं, कोई ये क्यों नहीं बोलता हिंदुस्तान बचाओ। हिंदुस्तान के बारे में सोचो तुम, बस राजनीतिक रोटियां सेकना सीख लिया आप लोगों ने। कोई मुद्दा मिलना चाहिए तुम्हारे को, बस टॉपिक मिलना चाहिए छोटा सा। या तो फिर ये जिन लोगों ने ऐसा करते हैं बलात्कार, जो रेप करते हैं, कोई बात नहीं कर लिया तो उनको फांसी दे दो, सबसे तरीका अच्छा है। या तो फिर उनको भी जिसने रेप किया उसके साथ 10-12 बंदे छोड़ दो
और उसी का रेप करवा दो ताकि पता चले कि क्या दर्द होता है, कैसा दिक्कत होती है। इनको तो लाइफ में गोली मारनी चाहिए, तो के आगे बांध के साले को छोड़ दो। अब मैं देखता हूं मेरा वीडियो कितने मीडिया वाले हैं जो फॉरवर्ड करते हैं और दिखाते हैं न्यूज पे, कोई नहीं दिखाई दे, साले भड़वे हैं ये सब। और मैं उस बच्चे को न्याय दिलाने के लिए कुछ भी करना पड़ेगा मैं करूंगा, मुझे कोई डर नहीं है किसी से। जो राइट है तो है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।